Hi viewers, this is Jawad and welcome back to my YouTube channel. Today I will show you and share some important academic MCQs of PMA 148 long course and I will show you how to pass your academic test easily. So before I start my video, make sure to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to get notified about latest videos updates. So let's start our video. तो आज मैं आपके लिए इनिशियल टेस्ट के लिए आपके लिए लाया हूँ कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो 26 मई से लेकर अभी तक जो 29 मई और 30 मई है, यहाँ तक हमारे पास बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स कवर हो चुका है। जब भी अभी 148 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल स्टार्ट हुए हैं जो कि 20th मई से स्टार्ट हुए हैं, तब से लेकर अभी तक के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस बार काफ़ी चेंजिंग आई है एमसीक्यूज में। जो पुराने एमसीक्यूज हैं एकेडमिक्स के वो वर्क नहीं कर रहे, काफ़ी नए एमसीक्यूज आए हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा एमसीक्यूज है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम। अब मैं आपको एक एक सर्च करके नहीं दिखाऊंगा, गूगल आपके पास है, आपने सर्च कर लेना है, इस तरह टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर वन एमसीक्यूज है वो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम आपने बताना है। गूगल पे सर्च कर लें, ये एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यूज आता है वो है वर्ल्ड वॉर वन की डेट, आई थिंक सो 1919 है, लेकिन आपने कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद ये जो फर्स्ट मार्शल लॉ डेट है, इसमें आपने देख लेना है पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ और दुनिया का भी फर्स्ट मार्शल लॉ देख लेना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पाकिस्तान का ही फर्स्ट मार्शल लॉ पूछा जाएगा जो कि जनरल मोहम्मद अयूब खान ने लगाया था और ये 1956 में था, या आपने कंफर्म कर लेना है। तो तहरीक खिलाफत जो शुरू हुई थी बरे सगीर पाक व हिंद में, इसकी आपने डेट ऑफ फाउंडेशन आपने पता कर लेनी है गूगल से कि ये कब हुई थी, और आपको क्या पता पता भी हो रेवोल्यूशन जो रशिया में स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, रेवोल्यूशन इन रशिया करें। उसके बाद स्वाइन फ्लू की जो डिज़ीज़ आई थी वो किस चीज़ से कॉज्ड हुई थी, स्वाइन फ्लू डिज़ीज़ कॉज्ड बाय, तो इसका आपने आंसर गूगल पे सिंपली सर्च कर लेना है। रशिया की करेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको भी आपने देख लेना है। आर्मेनिया की करेंसी है, इसको भी आपने देख लेना है। अल्बिनिया की करेंसी भी देखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपने इनको इग्नोर नहीं करना। मैं इसलिए आपको आंसर नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ से आपने वीडियो देख के चले जाना है। जब आप खुद आंसर सर्च करेंगे तो आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो आपको आंसर याद होंगे। मेरे लिए तो आसानी थी, मैं आपको आंसर सर्च करके ये जो मुझे आते हैं मैं आपको बता देता, लेकिन ये आपके लिए आसानी नहीं है। आप यहाँ से वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि हमें आ गया, लेकिन जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को पहले एक रजिस्टर पे लिखे, एक लाइन छोड़ के फिर गूगल से एक एक का आंसर लिखें। जब आप ढूंढ के मेहनत करके लिखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो 28th मई इज नोन एज, जो कि आप जानते हैं 28th मई कल थी और ये 28th मई का क्वेश्चन अभी आ रहा है और आगे भी आएगा। तो ये योम तकबीर हुई थी, इस दिन पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था। और व्हेन वो इज सेलिब्रेट डिफेंस डे, तो ये आई थिंक सो 28th मई को है और ये आपने दोबारा चेक कर लेना है। वाई वी बॉय मिल्क, इसका जो आंसर है टू किल जर्म्स है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81 है, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका इन दोनों का आंसर एग्जैक्ट है। वाई वी बॉय मिल्क टू किल जर्म्स और 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। कॉफ़ी इज मोस्ट प्रोड्यूस बाई विच कंट्री, ये आपने देख लेना है। पानीपत थर्ड वार बिटवीन, पानीपत की जो तीसरी जंग हुई थी वो किसके दरमियान हुई थी, ये भी आपने देख लेना है। कोलंबस बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरे एमसीक्यूज़ हैं ये भी आप देख सकते हैं। अल्बेना कैपिटल, अल्बेनिया का कैपिटल आपने देखना है। हयाते जावेद किसने लिखी थी, तो उसके बाद हीर रांझा इज़ रिटन बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, फर्स्ट थर्ड ये बहुत बार आ चुके हैं। फर्स्ट वुमेन टू एम्ब्रेस इस्लाम आपने ये लाजमी देखना है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट मास इन विच सिटी, तो ये भी आपने देखनी है, ये फर्स्ट हिजरी में कहीं हुई थी फर्स्ट मास, तो ये आपने देख लेनी है। मोजो दड़ो वाज लोकेटेड इन विच सिटी, मोजो दड़ो और हड़प्पा आपने देख लेनी है। ये कुछ सिंध में भी आते हैं और कुछ पंजाब में भी एरिया आता है, तो इसलिए आपने कन्फर्म कर लेना है। पाकिस्तान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपने देख लेनी है। द लार्जेस्ट हीरो मिल्ट्री अवार्ड ऑफ विच कंट्री, तो ये आपने देख लेना है, लार्जेस्ट हीरो मिल्ट्री अवार्ड।
द एंगल ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड, तो ये भी आपने देख लेना है कि कौन सा एंगल है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने खुद देखना है। द एक्यूट ट्राइंगल हैज़ हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स, ये आपने लाजमी देखना है। क्वेश्चन आपको मैथ में कई बार कराया गया है और ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और वाकया करबला की आपने साल लिखना है। प्रोटीन डिजीज़ यूज़ फॉर, ये जो क्वेश्चन है इतना कन्फर्म नहीं है लेकिन ये इसी टाइप का कुछ था, प्रोटीन डिजीज़ यूज़ फॉर इस तरह कुछ। तो उसके बाद गोमल पास कनेक्ट डेरा इस्माइल खान वेदी, ये गोमल पास का तो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये इस बार फिर रिपीट हो रहा है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि कैपिटल ऑफ बोस्निया आपने याद कर लेना है, पाकिस्तान माउंटेनियर आपने देख लेना है कौन है, और अल्बिनिया की करेंसी आपने चेक कर लेनी है। सिंपली आपको पहले भी बताया था लार्जेस्ट लेक, ये अल्बिनिया वाला बहुत रिपीट हो रहा है। उसके बाद हु वाज इन द बेली ऑफ फिश, हज़रत यूनस अल इस्लाम थे आई थिंक सो, तो ये आपने कंफर्म कर लेना है। इसराइल लकब, तो इसराइल का लकब आपने देख लेना है गूगल से। लेक ऑफ विक्टोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो लेक ऑफ विक्टोरिया आपने देख लेनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है। मैस्चियर लेक ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में ये बहुत पुराना सवाल है तो इसको आपने देख लेना है किधर है। और लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप कौन सा है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट रिवर देख लेना है। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट भी आपने देख लेनी है कि कौन थी। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना को लाजमी देख लेना है कि ये कौन सा बॉर्डर है। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक सो यूब खान ने बनाया था, तो ये आपने लाजमी देखना है कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था और इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी और ये कब ख़त्म हुआ था। उसके बाद किंजर लेक आपने देख लेनी है, इसकी लोकेशन क्या है। एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान राइटर, ये एक बुक है एमरजेंसी ऑफ एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान है आई थिंक सो, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका राइटर आपने देख लेना है। यूरोपियन यूनियन के जो टोटल मेंबर्स हैं वो आपने देख लेनी है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे। अगर इन तीन, ये जो मैंने आपके साथ पार्ट शेयर किए हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सारे, ये वाले आप देख सकते हैं जो मैंने सेकंड नंबर पे आपके साथ शेयर किए हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद ये थर्ड नंबर पे जो मैंने आपके साथ 16 क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो तकरीबन ये मिल मिला के 30-35 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें से किसी का भी आंसर अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में आंसर डाल दूं। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं पता, नहीं समझ आ रहा, आप नीचे कमेंट करें, या कोई कन्फ्यूजन आ रही है इन क्वेश्चंस में तो मैं आपको इनके आंसर भी बता दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि मैं आगे और आपके साथ MCQs शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप एकेडमिक्स और वर्बल नॉन वर्बल को पास कर सके। और यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे ISSB की प्लेलिस्ट है, इसको ओपन कर लें। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन और उसके बाद इनिशियल टेस्ट किस तरह पास करना है, ISSB से इनिशियल से ISSB तक किस तरह जाना है, सारी डिटेल्स हैं। वर्बल हैं यहाँ पे, एकेडमिक्स के क्वेश्चन हैं, कुछ और नोट्स हैं, और यहाँ पे फिज़िकल के मार्क्स वगैरह हैं, वर्बल के यहाँ पे काफ़ी मैंने शेयर किए हैं, इसलिए अभी एकेडमिक्स का पोर्शन में हाईलाइट करना ज़रूरी समझता था इसलिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।